मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित खासदार धैर्य शिलमाने यांनी आता संसदेमध्ये भाषण करायला सुरुवात केली आहे. संसदेमध्ये त्यांचं 2 वेळा भाषण झालं. पहिल्या भाषणामध्ये त्यांनी शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा मांडला, त्याचबरोबर ग्रामीण भागातल्या खेळाडूंना ज्या सुविधा आहेत त्या सुविधा व्यवस्थित मिळत नाहीत, त्यामुळे कुठेतरी राष्ट्रीय स्तरावर जाण्याचा त्यांचा मार्ग कुठेतरी सुखकर होत नाही, या संदर्भात सुद्धा त्यांनी निवेदन दिलं. त्याच पद्धतीने या सुविधा खेळाडूंना मिळायला हव्यात, कुस्तीसारखा खेळ हा राष्ट्रीय स्तरावर जाण्यासाठी मल्लांना विशेष सुविधा मिळायला हव्यात, या संदर्भात सुद्धा त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये मुद्दे मांडले. त्याचबरोबर काल सुद्धा त्यांनी एक भाषण केलं. जे भाषण होतं माहितीच्या अधिकारामध्ये मोदी सरकारने ज्या काही दुरुस्ती केल्या आहेत त्या दुरुस्तींना पाठिंबा देण्याबाबत त्यांच्या या भाषणाचं विशेष कौतुक केलं ते लोकसभा अध्यक्षांनी सुद्धा. त्याचबरोबर धैर्य शिलमाने हे पहिल्यांदाच लोकसभेमध्ये खासदार म्हणून निवडून गेलेत, म्हणून त्यांचं वेगवेगळ्या स्तरांवर सध्या कौतुक होताना दिसतंय. मात्र दुसरीकडे हातकणंगलेचे गेली 10 वर्ष खासदार राहिलेले, 5 वर्ष आमदार राहिलेले शेतकऱ्यांचे नेते आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मात्र धैर्य शिलमाने यांच्या भाषणाची थट्टा उडवली आहे. धैर्य शिलमाने यांच्या भाषणासंदर्भात HW मराठीशी बोलताना त्यांनी असं सांगितलंय की कुठलं भाषण, कुठले मुद्दे हे राज्यस्तरावर मांडायला हवेत, कुठले प्रश्न हे राज्याच्या अखत्यारीत येतात आणि कुठले प्रश्न हे केंद्राच्या अंतर्गत येतात हे आधी समजून घ्यायला हवं. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचं वर्णन करायला कोणालाही जमतं, मात्र त्याच्या मुळापर्यंत जाऊन ते प्रश्न जर सोडवायचे असेल, सरकारच्या विरोधात जायची जर भूमिका असेल, तरच ते योग्य ठरतं. धैर्य शिलमाने यांच्या प्रश्नासंदर्भात राजू शेट्टी यांनी नेमकी त्यांच्यावर काय टीका केली आहे ते पाहूयात. काल संसदेमध्ये हातकणंगलेचे नवनिर्वाचित खासदार धैर्य शिलमाने यांचं पहिलं भाषण झालं आणि त्या पहिल्या भाषणामध्ये त्यांनी बोलताना सुद्धा सेम शेतकऱ्यांचाच मुद्दा उठवला की कशा पद्धतीनं शेतकऱ्यांची मुलं सुद्धा आजकाल शेती करण्यासाठी वळत नाहीत, त्यांना सुद्धा नोकऱ्या मिळत नाहीत या संदर्भात असेल. त्याचबरोबर त्यांनी कोल्हापूरमधील कुस्ती किंवा यांसारख्या खेळांना सुविधा मिळत नाहीत यांसारखे सुद्धा मुद्दे उठवले. धैर्य शिलमाने सध्या पुढे येण्याचा प्रयत्न करतात आत्ता एक नवीन खासदार म्हणून, तर त्यांच्याबद्दल काय सांगा? नुसतं मुद्दे उठवून चालत नाही, तर राज्याच्या अखत्यारीतले प्रश्न कुठले आहेत, केंद्राच्या अखत्यारीतले प्रश्न कुठले आहेत, जे प्रश्न राज्याच्या अखत्यारीतले आहेत त्या ते मुद्दे लोकसभेत उठवून फायदा काय, त्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागतो आणि केंद्र सरकारकडे केंद्रातल्या प्रश्नाच्या संदर्भात आवाज उठवावा लागतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचं वर्णन करून चालणार नाही, ते तर सगळ्यांनाच माहिती आहे की मूळ त्याचं कारण काय आहे, धोरणात लपलेलं आहे आणि ते धोरण सरकारचं कसं चुकीचं आहे आणि ते धोरण बदलण्यासाठी सरकार काय करणार आहे आणि त्यासाठी सरकारला विटी धरलं पाहिजे आणि वेळप्रसंगी सरकारच्या विरोधी भूमिका घेतली पाहिजे. ती घेण्याची तयारी असेल तर ते प्रामाणिकपणानं शेतकऱ्यांच्यासाठी काम करतात असं मानावं लागेल. तर आपण बघितलं की हातकणंगलेचे एवढी 10 वर्ष राहिलेले खासदार राजू शेट्टी आणि दुसरीकडे नवनिर्वाचित खासदार धैर्य शिलमाने यांच्यातला हा सामना अशाच पद्धतीनं लोकसभा निवडणुकीपासूनच रंगलेला आपण अनेक वेळा पाहिलाय. धैर्य शिलमाने यांनी निवडून आल्यानंतर राजू शेट्टी यांच्या आईची सुद्धा भेट घेतली होती, त्याचबरोबर त्यांच्या घरी जाऊन त्यांनी त्यांच्या शुभेच्छा सुद्धा स्वीकारल्या होत्या. मात्र राजू शेट्टी यांनी धैर्य शिलमाने यांना कुठंतरी खासदार म्हणून अद्यापही स्वीकारलेले नाहीये हे या सर्व गोष्टींवरून सध्या स्पष्ट होताना दिसतंय. एकीकडे धैर्य शिलमाने हे शिवसेनेचे खासदार असताना सुद्धा शेतकऱ्यांचा मुद्दा संसदेत मांडून एक शेतकऱ्यांचा नेता म्हणून राजू शेट्टी यांची जागा घेण्याचा सध्या प्रयत्न करत आहेत. मात्र राजू शेट्टी हे अजूनही धैर्य शिलमाने यांना स्वीकारायला तयार नाही आहेत हेच त्यांच्या वाक्यांवरून सध्या स्पष्ट होत आहे. मैं कुछ मुद्दे आपके सामने इस यूथ और स्पोर्ट्स के बारे में आपके सामने रखना चाहूंगा. युवा सांसद होने के साथ ही मैं एक खिलाड़ी भी हूं जो नेशनल लेवल का फुटबॉल खिलाड़ी हूं, तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों की आने वाली समस्या और किसान का बेटा होने के नाते दोनों का आपके समक्ष रखना मेरा काम है. किसानों के बेटों को रोजगार उपलब्ध होने के हेतु आज महाराष्ट्र और देश भर में नए रोजगार की संधियां उपलब्ध होना ये बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है. निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा हर क्षेत्र का हो, कोई भी राज्य का हो, लेकिन वो सीखा हुआ युवा जो है वो अपनी क्षेत्र में कुछ अपने क्षेत्र में काम करना चाहता है. किसानों का बच्चा अपने किसान से खेती से जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन सीखे हुए जो बच्चे, मैं अगर किसी स्कूल में जाऊं और उनसे पूछूं कि बच्चों आप क्या करना चाहते हो आगे बढ़कर, तो कोई डॉक्टर बोलेगा, कोई इंजीनियर बोलेगा, कोई बोलेगा कि मैं कारपेंटर भी बन जाऊं, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं होना चाहता. ये आज की दुविधा बच्चों के मन में यहाँ आप महाराष्ट्र और देश भर की यहाँ देखने को मिलेगी. इसका प्रमुख कारण है कि वैल्यू एडिशन खेती में होना
और उसके लिए रोजगार की उपलब्धता होना, उसके क्षेत्र में होना, ये कालानुरूप उसकी गरज है। इसलिए मैं शासन के माध्यम से युवा धोरण में निश्चित रूप को युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को कृषि पूरक व्यवसाय उनके क्षेत्र में मिलने के हेतु आज शासन क्या भूमिका लेती है उसके वजह से उनको उन्नति की ओर जाना पड़े। इंटीग्रेटेड फ्रूट पार्क अगर उनके लिए बन जा पाए जिससे निश्चित रूप से युवाओं को काम मिल सके। मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा ऑफलाइन हो रहा हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि रोजगार की उपलब्धता होने के कारण आज बहुत सारे युवा देश छोड़ के परदेशों में नौकरियां ढूंढ रहे हैं, जिनकी यहाँ अगर उनके मूल में वहाँ नौकरी मिल सकती तो निश्चित रूप से उसका फायदा उन युवाओं को हो पाता। मैं खेल के बारे में आपके माध्यम से इस पटल पर कुछ चीज़ें खिलाड़ी होने के माध्यम से यहाँ रखना चाहूँगा कि खेल के बारे में आज मेरे पुराने बहुत से साथियों ने इस पटल पे बहुत सारी बातें रखी, लेकिन खिलाड़ियों को आने वाली समस्याओं के हेतु इस शासन को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण भाग में रहने वाले खिलाड़ियों की समस्या अलग है, वहाँ खेल के मैदान ही बहुत सारे कम हैं और खेल के मैदान ना होने के कारण खिलाड़ियों को पहले ही, अगर किसी खिलाड़ी को पहले उसका अवसर मिले, मुझे ज्ञान होता है कि टीवी पे देख के मैं चाहता हूँ कि मैं तैराकी सीखूँ, टीवी पे देख के गाँव का बच्चा सोचता है कि मैं एक तीरंदाज बनूँ, लेकिन उसके गाँव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जिसके वजह से उसको वो प्रशिक्षण मिले जिसके हेतु वो वहाँ काम कर पाए। बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे हैं कि जिनको उनको काम करने की बहुत, उनको स्पर्धा में जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वैसी स्पर्धा वहाँ होती नहीं है। मैं निश्चित रूप से सरकार से मांग करूँगा कि वैसी स्पर्धाएँ, वैसे प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाए जहाँ इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स सेंटर एक आधा तहसील में हो, जिससे हर एक स्पोर्ट्स के बारे में मालूम उस बच्चे को वहाँ से मिले और राष्ट्र में अच्छे खिलाड़ियों की उत्पत्ति होने में उसका योगदान बनता रहे। मैं जिस जिले से आता हूँ वो कुश्ती का केंद्र है, राजश्री शाहू महाराज ने कुश्ती इस देश भर में प्रोत्साहन उसके लिए दिया। 100 साल पहले कुश्ती इस जनजीवन में लाने का काम राजश्री शाहू महाराज ने वहाँ पे किया। शाहू महाराज के बाद खाशबा जादव नाम के पहले ओलंपियन जो थे वो मेरे गाँव जिले से है, जिन्होंने ओलंपिक का पहला कुश्ती में मेडल उन्होंने उस टाइम में यहाँ देश के लिए लाया था। एक सम्मान की बात है, निश्चित रूप से उस कुश्ती को और आगे ले जाने की ज़रूरत आज हमारे शासन को इस माध्यम से है। उसी हिसाब से वहाँ पे बहुत अच्छे तैराक है, आज भी ओलंपिक के 2 मेडल मेरे जिले में से आए हैं, तैराकी में वीर धवल खाड़े हो और निशानेबाजी में राही सरनोबत हो, इन दोनों ने देश का बहुमान बढ़ाया है और उनको वहाँ निश्चित रूप से खेल में उन्होंने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है। लेकिन आज भी कोई फायरिंग रिंग मेरे जिले में नहीं है। बहुत बड़ी समस्या यह है कि सबसे आज निशानेबाज हमारे यहाँ है लेकिन फायरिंग रिंग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे काम करने वाले बच्चे हमारे यहाँ है लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर इन बच्चों को उन सुविधा से रूबरू नहीं किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो महाराष्ट्र और देश भर में ऐसी ही वंचित रह जाएंगी, जिनको खेलने के हेतु वहाँ नहीं कर पाए। आज मैं एक गाँव में गया था मैडम, तो उस गांव में एक बच्चा अपने आदरणीय मंत्री महोदय, एक बच्चे ने ड्राइंग बनाया था और वो जमीन पे बनाया था, एक टेबल जैसा कुछ तो उसने किया था और उसमें बॉल रख के वो खेल रहा था एक लकड़ी लेके। मैंने उसे पूछा तू क्या कर रहा है, तो उसने कहा मैं बिलियर्ड्स खेल रहा हूँ। वो जमीन पे अपना बिलियर्ड बोर्ड उसने बना लिया था और बॉल के साथ वो अपने गुल्ली डंडा खेलते हुए मेरे बच्चों को देखा था, लेकिन वो बच्चा कुछ अलग कर रहा था, मेरा कुतूहल बढ़ गया था। मैं ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिनको आशा है, अपेक्षा है, टीवी पे वो देखते हैं लेकिन उनको वैसी सुविधा नहीं मिलती, इसीलिए वो वंचित रह रहे हैं। मैं शासन को मेरे पार्टी के माध्यम से निश्चित रूप से ये अनुरोध करना चाहूँगा, उनसे विनती करना चाहूँगा कि इन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अच्छा शिक्षण, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य उनका मूलभूत अधिकार है और उस हेतु जो कुछ इस शासन से हो पाए वो निश्चित रूप से आपके पटल पर होना चाहिए। जो वंचित बच्चे मुख्य प्रवाह में आने के लिए काम कर रहे हैं उसमें खो खो जैसा खेल है, जिसमें खेलो ये अपने यहाँ खो खो को ग्लैमर प्राप्त हो गया क्योंकि एक सेलिब्रिटी ने उसको दुनिया के सामने लाया, तो उसके माध्यम से खो खो एक राष्ट्रीय खेल की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे कई देसी खेल है जो राष्ट्रीय मूल के हैं, उनको भी उजागर करना जरूरी है। खो खो जैसा खेल है, हॉकी जैसा खेल है, क्रिकेट की तरफ आकर्षण हमारे देश का ज़्यादा है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूँगा क्रिकेट के साथ ही
अन्य जो खेल है जो भारतीय मूल के हैं उनको भी प्रोत्साहन देना और उनके लिए अच्छा नियोजन करना ये शासन की जवाबदारी है। मैं अपने पक्ष की ओर से ये बात आपके सामने रखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं और फिर एक बार आदरणीय अध्यक्ष महोदय दया आपका और सभी सदन का सभी साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।